हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की विभिन्न गतिविधियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आगामी 15 जनवरी तक किसी भी दल को रैली, जुलूस एवं अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, उसके बाद जो भी दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग से जारी होंगे उससे सभी दलों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही अभी तक MCC का उल्लंघन किए जाने पर 5 को नोटिस भी जारी किए गए हैं और प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटा ली गई है। वहीं कई स्थानों पर दीवार लेखन विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए किया गया है, जिसके लिए हिदायत दी गई है कि सभी दल इस लेखन को तत्काल हटाने की कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि COVID-19 के दिशा निर्देशों के तहत सभी दलों को मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का परिपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त डोर टू डोर प्रचार के लिए 5 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। जिले में धारा 144 लागू है और इसका उल्लंघन करने पर IPC की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो, और कब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और इस दौरान उन्होंने क्या एहतियात बरतने हैं उसके संबंध में समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने अवगत करा दिया और इस दौरान ये भी बताया कि 15 तारीख तक कोई भी धरना भाई या जुलूस प्रदर्शन वगैरह इन्होंने नहीं करना है, कोई भी जनसभा इनके द्वारा नहीं की जानी, कोई भी रैली इनके द्वारा नहीं की जानी है और अगर प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात है उसमें धारा 144 ऑलरेडी लगी है। कोई भी व्यक्ति विशेष 5 से ज़्यादा की संख्या में अगर किसी जगह पर जाते हैं और कोविड के रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं उसको, उस दशा में हम लोग फिर धारा 144 के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी होती है उसमें कार्रवाई करेंगे और आपदा प्रबंधन एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हाँ, लेकिन चलिए उसमें जो सूचना अगर हमें मिल जाती है तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे कल 5-6 घटनाएँ ऐसी थी जिसमें 144 लागू होने के बाद भी कई जगह पर लोग एक साथ एकत्रित थे और अधिक संख्या में लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। तो उसमें हम लोगों ने नोटिसेस वगैरह इशू कर दिए हैं और इन नोटिसेस को जवाब मिलने के बाद अगर हमें लगता है कि वाकई में इन लोगों ने गलती की है, त्रुटि की है, तो उनके खिलाफ हम 188 में कार्रवाई करेंगे। आपका हल्द्वानी में 2 और कालाडूंगी में 2 और एक आपका लालकुआ में अभी इशू हुआ है। अभी शाम तक अगर जवाब नहीं मिलता तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हर खबर पर है हमारी पहली नज़र, उत्तराखंड की बुलंद आवाज़। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।